सीएम सिटी करनाल के गांव बस्तली में आज उस वक्त मातम पसर गया जब एक 33 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोहन नाम का किसान अपने खेत में ट्रॉली से तूड़ी उठा रहा था। जब उसने जैक का प्रयोग किया तो वो खराब हो गया और ट्रॉली उसके ऊपर गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से उसे ट्रॉली के नीचे से निकाला गया और गंभीर हालत में पास लगते कल्पना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। लेकिन किसान ने पीजीआई पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। किसान की मौत के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपने खेत में अपना तूड़ा उतार रहा ट्रॉली में से। जैसे तूड़ा उतारते ट्रॉली खाली हुई तो ट्रॉली का जैक अड़ गया। जैसे उसको ठीक करने लगा, हिलाने लगा तो उसके ऊपर गिरी की ट्रॉली। अचानक जैक खराब हो गया ट्रॉली का। अपना तूड़ा उतारते उतारते उसके बीच में उसको चोट लग गई। अकेला ही था ये काम कर रहा था? नहीं, और भी थे साथ में एक दो। अच्छा। साथ में जो काम कर रहे थे वो पास में थे। फिर और आवाज गुजर गई, चार पाँच बंदे हो रहे। फिर इसको फर्स्ट एड के लिए ले गए निशिंग से और फिर करनाला मरीदार हॉस्पिटल में। तो उसके बाद मरीदारा से फिर इसको पीजीआई जाते जाते रास्ते में मृत्यु हो गई। तो क्या कार्रवाई की जा रही? पुलिस को इतला दे दी? हाँ जी, पुलिस को इतला दे दी थी। पोस्टमार्टम हो रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या नाम था इसका? कहाँ, कौन सा गांव है? सोहन है जी, गांव बस्तली। बस मतलब वो कुछ काम कर रहा था ट्राली में, तो वो जैक वाले ट्राली होते नहीं, वो मतलब एकदम से उसके ऊपर आ गिरी सिर पे। बस इसके बाद मतलब इसको हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल के बाद चंडीगढ़ रेफर करे इनको, तो बाद में कुमरे गोश्त कर दिया डॉक्टर ने। तो क्या कर रहा था ये? कहाँ का था किसान? ये बस्तली। अच्छा, क्या काम कर रहा था? ये हमने उस टाइम रिपर चला रहा था, थोड़ी अपना। अच्छा। काम कर रहा था खेत में। ट्राली लोडी थी? अच्छा, तो जैक कोई का अचानक ऊपर? हाँ, जैक से अचानक मतलब टूट फूट हो गई। तो क्या कार्रवाई की जा रही पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से 74,000 रुपये। जानकारी के मुताबिक ये दुखद घटना बीते दिन बुधवार शाम की है, जहां 33 वर्षीय किसान सोहन लाल की दर्दनाक मौत हो गई। सोहन लाल अपने खेत में तूड़ी इकट्ठा कर रहा था, जब उसकी ट्रॉली भर गई और वो उसको पलटने लगा तो अचानक जैक खराब हो गया और उसके ऊपर गिर गया, जिसके बाद सोहन लाल को घायल अवस्था में कल्पना मेडिकल लाया गया, जहाँ से उसको चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे तो उसने दम तोड़ दिया। अब किसान की मौत के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ी हुई है और पूरा परिवार सदमे में है। करनाल से KCRA पंजाब केसरी टीवी।